हाँ भाई बरेली, फोन क्यों काटा? हाँ भाई फोन क्यों काटा, क्या बात है, भाग रहे हो क्या? हेलो। बेलवी भाई बोलोगे ना, अरे अल्लाह के बंदे, कौन काटा? मैं काटा हूँ या तुम काट कर भागे हो? कौन कौन काटा फोन? मुझे क्या पता, आप लाइन पर कौन थे? ताजिम राजा भाई थे? ताजिम राजा भाई ने काटा या आपने काटा? मैंने तो काटा नहीं, मैं तो कसम खाने के लिए भी तैयार हूँ। आप कौन बोल रहे हो? हाँ तो मोहम्मद वली रजवी, कौन? फारूक नकवी साहब ना? आप कहाँ से? मैं तो ताजिम बात कर रहा था, इसी नंबर पे आप कहाँ से? अरे हेलो, अरे भाई बोलो, आप कहाँ से बीच में टपक पड़े? अभी तो ताजिम कर रहा था, अब आप कहाँ से टपक पड़े हो? अरे अभी मैं आपसे बात कर रहा था। फारूक नक्शबंदी साहब बोल रहे ना आप? हाँ, मैं फारूक नक्शबंदी बोल रहा हूँ। हाँ बोले, जाहिलो अपना एतराज पेश करो, तुमने और कुछ नहीं कर रखा है, सिर्फ तुम एतराज ही एतराज करते हो, करो एतराज। मैंने कहा ना, इबारत जो आपने पढ़ी वो सफा नंबर मुझे पेश करो। अरे मैं एशियन पेंट भी अबे देता जाहिल हूँ, हाशमत, हमारे मैं पास बोल रहा टाइम हूँ। नहीं है। अबे मैं बोल रहा हूँ, देखो जाहिलो, तुम वैसे खुद तो अपनी ये बात इबारत पढ़ के तुम खुद ही फंस चुके हो, समझ गए ना, मंजूर तुम खुद भी टाइज कर कर चुकी चुके हो। है। जी और जिल्द उसका 4 है, सफा 246, आप खोल के देख लीजिए। हाँ 246, 246 पे जिल्द 4 नहीं, पांचवा हिस्सा पड़ता है। अच्छा, 240 और 240 खोलिए, हाँ सफा 240 खोलिए, क्योंकि इधर का जो इबारा है, मेरे सफा नंबर था ना, वो कटा हुआ 40 दिख रहा है कि 46 दिख रहा है, ये नहीं, तो वो देखिए, सफा चालीस 40 है मेरे ख्याल से। पे खोल लिया, सफा नंबर 240 ही पांचवा हिस्सा है, सोने चांदी और उन चीजों का बयान। तो अच्छा, कौन से, ये कहाँ से छपी हुई है? मेरे पास जो इबारत है वो है बयासी जेवत थानवी का, मंजूर बुक डिपो 2880 बलबली खाना दहली है। ये भी कुतुब खाना हमीदिया जामा मस्जिद दिल्ली। हाँ, तो सफा आगे पीछे होगा, मेरे पास मंजूर बुक डिपो का है, चलो 2828 चलो, नंबर, आप बलबली खाना दहली जैसे का। हजरत ने ऊपर जो बाब बांधे हुए हैं, हर चीज पर बाब बांधा हुआ है, तो आप हाँ उसी हिसाब से मुझे बता दे, मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ वापस। तो वो मैं स्क्रीन जैसे पर हजरत ने आपको, एक बांधे, मिनट बीमार देखता हूँ, मैं भेज देता हूँ। की मैंने तलाश तो में जो इबारत सुबह जो आया, आपको सुना दी है उसमें एक ने जर्रे के बराबर भी जो मैंने बाब बांधे काट हुए उस चीट पर नहीं जी किया है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, जो इबारत मैं आपको पढ़ के बताया हूँ उसमें मैंने एक जर्रे के बराबर काट छाट नहीं की है। और अरे चाहिए तो स्क्रीन पर मैं भाई, भेज देता आखिर हूँ। वाली इबारत में अब वो आपने जो गड़बड़ी की, और पहली वाली इबारत की आप खुद तायद कर चुकी हो, समझ गए ना, और आखिरी पहली वाली वाली इबारत इबारत का पर मैं आपका आपका जवाब, कवर किया पहली मैंने, वाली का क्या आप जवाब मेरा ऐतराज खुद ही पहली दो। वाली पे नहीं है? मैंने पहली वाली पे ऐतराज आपका नहीं किया है, ऐतराज मेरा जो मसला है वो पहली टीवी वाली पर है। क्यों पड़ी? अबे निकाह हो जाहिल गया पड़ी है क्यों लेकिन फिर अभी रुख्सती यार, नहीं फोन हुई। करके पहले क्यों सुनिए, परेशान आप करते हो? सुनिए तुमने यार, कोई क्या समझ फॉर्मल रखा क्रिएट है मत कि बोलो। नहीं, तुमने क्या समझ रखा है, हम आप फोन करेंगे लोगों बदनाम करते फिर देंगे? ये है ही नहीं, समझ गए ना, देवबंद वालों के पास अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के अंबार हैं, एतराज करो, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बोलो आप जल्दी, वो मुझे ऊपर ऐतराज जो बाब लिखा हुआ दलीलों जल्दी के बताओ। अंबार सुनिए है अल्लाह के बंदे, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, तुम्हारे पास दलीलों के अंबार है, हमारे पास नहीं है। सुनिए सुनिए, तुम्हारे सुनिए, पास चार फारूक सिवाय फारूक बीच और नक्शबंदी है क्या साहब, फारूक नक्शबंदी साहब, भाई? एक बात करे, दो नहीं, एक बात करे, मैं अकेला हूँ, मैं कह देवबंद रहा का हूँ जो ना, नंबर आपका शेयर किया रहना बात केवल करे है, ना, मैं भागता हुआ हूँ आपके। इधर दस दस मत आया करो। अरे नहीं नहीं तो आप तो मुझसे बात कीजिए, अभी आप यार लाइन आप पर दो हैं, दो क्यों कर रहे हो आपका यार, आपका हम हजरत मुझे जल्दी बाप सामने बताओ, हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, बाप बताओ जल्दी करो, आपने फारूक कुछ बाप नक्शबंदी जो वही साहब, इबारत पढ़ी हो मुझे बताओ जल्दी करो। अरे वो जो स्कैन पे जाया उसके ऊपर बाप नहीं है यार, बाप एक नंबर, ये आप फतेह नंबर अलग हो जाता है मालूम। बाप जो मेरे पास आया किताब काम लेके पे नहीं हो, बैठे हो? आपने तो कहा उसके हम ऊपर किताब वो से नहीं निकाल, लिखा हुआ। चलो स्कैन पे, मैंने व्हाट्सएप खोल लिया, मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपके व्हाट्सएप पे सलाम लिख रहा हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप पे वो स्क्रीन पे शेयर करें, ठीक एक मिनट वेट कीजिए। है ना? अरे हम जल्दी करें। जल्दी करें भाई, फोन ना काटना अल्लाह के लिए।
पहले भी काट के चले गए यार, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आप नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जी समझ में आना ही नहीं, तुमने तुमने ये सोचा था कि हम ऐसे ऐसे करके फोन करके बदनाम करते फिरेंगे, तुम्हें क्या पता था कि सामने तैयार। सुनिए सुनिए फारूक नक्सलबंदी साहब सुनिए, इस पे बाप नहीं लिखा हुआ है लेकिन उसके नीचे लिखा औलाद की परवरिश का बयान, औलाद ऊपर ही है, अभी देख लेता हूँ, उसके दो लाइन ऊपर ही है और औलाद की परवरिश का बयान वहाँ पर जाए इसके ऊपर ही आप देखिए। कौन सा हिस्सा, कौन सा ये तीसरा या चौथा? चौथा चौथा। ठीक है 2 मिनट चालू रखें, मैं ये आपको ये भी दिखा लेता हूँ, ठीक है ना। सफा नंबर 222 है। चलिए सफा नंबर अलग अलग पीछे होता है, चलो अब आप पढ़िए, आप खुद बात को पढ़िए। अब आपने नीचे का जो मसला नंबर 8 है जी, उसके ऊपर का जो मसला नंबर 8 जी निकाह के बाद 6 महीने से कम में बच्चा पैदा हुआ तो वो हरामी है, और अगर पूरे 6 महीने या उससे ज्यादा मुद्दत में हुआ तो वो शोहर का है, उस पर शुबा करना गुना है। अलबत्ता अगर शोहर इनकार करे और कहे मेरा नहीं है तो लियान का हुक्म होगा। इसकी ताइद आप खुद कर चुके हो, ठीक है, मान लिया ये सही है। ठीक है, अब मेरा उस पर पकड़ नहीं है, हालांकि इस पर भी मेरा पकड़ है लेकिन इस पर नहीं। अब आगे पढ़िए नवा मसला। तो आपकी पहले इस पर पकड़ पेश करें, आप खुद इसकी ताइद करके फिर कह रहे हो मेरा पकड़ है। यार दोगली बात ही ना करो, एक मेरा बात पकड़ करो, ये एक है। बात सुनिए तो मेरा सिर्फ यही एतराज है कि 6 महीने में किसी को बच्चा पैदा होता है। आपने खुद ने कहा हजरत हुसैन पैदा हुए, मैं तो अरे अल्लाह के बंदे 6 महीने में वो पैदा हुए, 6 महीने से पहले अशरफ अली थानवी साहब लिख रहे हैं। और अब तो 6 महीने से पहले हजरत कह रहे हैं हराम का हाँ, तो बच्चा है पहले क्यों उन्होंने लिखा 6 महीना लिखना चाहिए, छह वो। महीने के बाद कुछ अर्सा लिखना चाहिए। अरे 6 महीने से पहले किसी को बच्चा पैदा होता है, इस रूए जमीन पर किसी को पैदा हुआ आप बता दीजिए जरा। अब मैं जब तक जवाब दूं आपने खामोश रहना, बीच में नहीं बोलना है। मेरे भाई हाँ फिर आप नवा मसला। हजरत हकीमुल उम्मत जो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शादी के बाद 6 महीने बाद बच्चे 6 महीने पूरे के बाद बच्चा पैदा हुआ तो हलाल है, 6 महीने से पहले हुआ यानी 5 महीने में हो गया। 5 महीने में किसी को होता है क्या? हंसे ना जाहिल। अरे हजरत हकीमुल उम्मत कह रहे हैं अरे कि पर तो मैं ये बोल रहा हूँ शादी से 5 महीने पहले में का किसी को हराम ही है। पैदा होता है। अरे जाहिल ओ हाँ जाहिल ओ जाहिल, हजरत क्या कह रहे हैं, कह रहे हजरत हाँ यही बताना चाह रहे हैं, जाहिल तेरी खोपड़ी में गोबर घुसा हुआ। हजरत कह रहे हैं हाँ 6 महीने से ठीक है पहले ठीक है नहीं होता है, हाँ ठीक है, अगर बकिए किसी बकिए को हो बकिए गया तो वो हराम ही बकिए, है। आगे मसला आ रहा है। हाँ बस बकिए, इसका जवाब आप दीजिए, चलिए इसको मैं कबूल करूंगा। तो आपने अब कबूल किया नहीं किया, मैं क्या कह रहा हूँ, हजरत हकीमुल उम्मत कह रहे चलिए हैं मैं 6 महीने से मैंने पहले हुआ तो कबूल किया हराम मैंने ही। कबूल किया चलिए आप मैंने आपने मान कबूल लिया किया। हजरत ने सही नवा लिखा है, मसला पढ़िए, नवा नहीं 9 नंबर का जो मसला उसको आप पढ़िए, उसको लिखा बाद में हो गया पढ़ेंगे, लिख रहे पहले हैं इस पे लिख रहे हैं फैसला नहीं होना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं आपने इसको माना, ये सही है बिल्कुल इबारत। अरे कैसे सही है, तुम कह दोगे तो मैं मान लूंगा ना। मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने से किसी को 6 महीने से पहले किसी को बच्चा पैदा होता है क्या? अरे मैं कह रहा हूं हजरत कह रहे हैं कि शादी जब के नहीं 6 महीने, होता तो फिर लिखना क्या, लिखा क्यों उन्होंने? अब मुझसे जवाब तो सुन। हाँ हजरत ये कह रहे हैं कि निकाह के बाद 6 महीने से कम में बच्चा पैदा हुआ तो वो हराम ही है, यानी शादी से पहले हाँ कहीं और से आया है, समझ गए ना? हाँ अभी नहीं समझे, एक बार और समझाता हूँ, यानी निकाह के हाँ बाद 6 महीने अरे मैं से कम समझ में गया, बच्चा कहीं और पैदा से आया हुआ। है। मेरी बात हाँ सुन, खामोश रहे थोड़ी देर, हाँ सबर कर मैं बेटा, हाँ मैं खामोश हूँ। तो वो हाँ हराम ही हाँ है, ठीक हाँ है। निकाह के बाद छह हाँ महीने से कम ही बच्चा पैदा हुआ तो हरामी है, क्यों? कि वो निकाह से पहले हाँ कहीं और से लाई होगी, पता नहीं, ठीक है ना, बात हाँ सही बात समझ है, गए? अभी आगे इसका जवाब आ रहा है। अब कह रहे हैं अगर पूरे 6 महीने या उससे ज्यादा मुद्दत में हुआ तो वो शोहर का है, और इस पर दलील आप खुद दे चुके हैं। आपने कहा हजरत हुसैन पैदा हुए, मैंने कहा उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो अपने दाम में खुद ही बरेलवी आ गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी आपने नवा इसकी मसला बारत पढ़िए, तुम्हारा इसका ये जवाब यही मतलब बन बिल्कुल गया है सही है आपका। नहीं है, हाँ चलिए आपके नहीं आपके फैन से तो वो आपकी सही है, जबान से मैं अभी सही इसका जवाब खुद ही सुनूंगा। आगे आ रहा है ना, आप खुद ही पढ़ लीजिए, वो आगे दूसरे मसले लिखा पे बाद होगा में चलते लेकिन हैं, अभी फिर इस पे रिपोर्ट नहीं फैसला हो होगी जाए। सही। आवाम जो भी ये सुनेगी ना, आपने रिकॉर्डिंग करके आगे आवाम में डालना है ना, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आवाम उसने जो सुनेगी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जो वो सीधी सादी बिचारी जो आवाम भोली है, जिनको आप धोखा दे के बिचारों के अरे बीच, साहब उन्हें तो यार पता तो लंबी चले वाइस ना, मत करो, किसी को देवबंद कुछ वाले पता नहीं। दलाइल के अंबार रखते हैं, हाँ दलाल हम कहाँ कैसे नहीं रखते हैं ना, तो आपने हाँ तस्लीम तो किया इसका नहीं जवाब किया। दीजिए आप।
मेरे प्यारे भाई कहते ना, वो मदनी मीठे मीठे भाई, वो मेरे मदनी मीठे मीठे भाई, आपने ये मसला तस्लीम किया नहीं किया, सही है नहीं है? हाँ चलिए, मैंने ये मसला तस्लीम कर लिया। आप आपने एतराज जो किया था जाहिलाना एतराज था, ठीक है ना? अब दूसरा सुन ले। जाहिलाना एतराज था तुम्हारे नजदीक? मेरे नजदीक नहीं, आप खुद ने कहा मेरे तस्लीम किया। अब नंबर का मसला है, वो अभी अभी वाजे हो जाएगा, आप आगे। अरे आप इस पर और कोई एतराज हो तो पेश करें। नहीं बस मेरा कोई एतराज नहीं है, वही था मेरा एतराज ये था। अच्छा। 6 महीने में किसी ने उसका जवाब आपने दे दिया, अब नवा मसला पढ़िए। अब आगे कह रहा है हजरत हकीम उल उम्मत नवे मसले में लिख रहे हैं, ये भी मसला बिल्कुल दुरुस्त है, निकाह हो गया लेकिन अभी रिवाज के मुआफिक रुखसती नहीं हुई। रिवाज के हमारे यहाँ जो रिवाज है ये है कि भाई रुखसती शादी के बाद करते हैं, ठीक है? रिवाज के मुताबिक रुखसती नहीं हुई, बच्चा पैदा हो गया और शोहर इनकार नहीं करता कि मेरा बच्चा नहीं है। क्या कह रहे हैं हजरत? कह रहे शोहर इनकार नहीं करता, मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरा बच्चा नहीं है। शोहर इनकार भी नहीं कर रहा है और रुखसती भी नहीं हुई, तो क्या क्या बच्चा पैदा हुआ जब तक क्या कोई बरेलवी निगहबानी कर रहा था कि नहीं नहीं इसने मुलाकात नहीं की, हरामी है? कोई बरेलवी कैमरा लगा के अहमद रजा खड़ा था या कोई और खड़ा था? आप क्यों एतराज कर रहे हैं इस पर? अच्छा, ये भी तो शादी से पहले ये पर आलूद नहीं है, जिस्मानी संबंध बांधना ये जिनाकारी में है कि नहीं है? अरे बारह साहब बता रही, निकाह हो गया लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी कि लड़का पैदा हो गया, तो वो लड़का शौहर ही से है। वो आगे हजरत ने कैद लगाई है, आगे कैद क्या लगाई है? अल्लाह के बंदे मैं बोल रहा हूं, कैद लगाई है शादी? ओ मेरे बरेलवी, लड़की शौहर के घर पर नहीं आई और लड़का पैदा हो गया तो ये कैसे पैदा? तो क्या आप बरेलवी क्या उसकी चौकीदारी कर रहे थे? दोनों की मुलाकात नहीं हुई है? ना ना, आप बरेलवी चौकीदारी कर रहे थे? लड़की की रुखसती यहाँ पे मुलाकात रुखसती और मुलाकात में फर्क होता है। क्या ससुराल में जाके उसने मुलाकात कर ली हो, आप क्या वहाँ पे चौकीदार बन के बैठे? और आपने अल मलफूज में बाकायदा लिखा है कि बुजुर्ग वो भी देखते हैं जो किया जाता है। एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा है कि एक बीवी से मिल रहे थे, दूसरी बीवी पास में सोई हुई थी, वो जग रही थी, कहा कि आपको कैसे पता? कहा कि मैं वहां पे तीसरे पलंग पे बैठा हुआ था। मैंने कहा बुजुर्गों को तुमने लगाया है? और जाल हक उठा कर देखे उसमें कहता रात में अंधेरी कोठड़ी में जो होता है वो नबी की आंखों से पोशीदा नहीं है, ये इल्जाम तुम लगाते हो बुजुर्गों पर। आगे हजरत हकीम उल उम्मत क्या करें, सुनो। अरे भाई इस काल किया मुझसे सुन तो ले। आगे का दसवां मसला पढ़िए, आप खुद ही पढ़िए। आपने ये नवा मान लिया कि नवे में हजरत ने वजाहत कर दी मैंने इतराज जाहिलाना किया है? ये इतराज जाहिलाना है? अरे इतराज तो इतना आलिमाना है। अरे भाई आगे की ब्रेकिंग जो थी, अरे भाई मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले वाले जो हमारे फोन की क्लिप है उसमें कहा था, मैंने कहा मेरे प्यारे भाई मैं 26 मर्तबा बेस्ती जेवर पढ़ा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सम अल्हम्दुलिल्लाह 26 मर्तबा पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये इबारत का जवाब आप नहीं दे पा रहे। निकाह हो गया लेकिन अभी पति ने भी लड़का पैदा हो गया, ब्रेकिंग ब्रेकिंग देके क्या लिखा? वो हर इनकार नहीं करता है कि मेरा बच्चा नहीं है और लड़का पैदा भी हो गया तो कैसे पैदा हो गया? शोहर के पास तो आई नहीं कोई दामाद अपने, तो आई नहीं तो शोहर उसके पास गया नहीं, आपको क्या पता है कि गया नहीं है? आप कैमरा लगा के बैठे हुए थे क्या? ये लड़का जाहिर सी बात है ना, अगर शादी होगी लड़की की और रुखसती नहीं हुई, हो सकता है दूसरी जगह उसने मुंह मार लिया हो। चलो कहने की वो हरामी नहीं होगा। चलो आपकी ये सोच, अगर कोई बरेलवी पैदा होगा तो वो हरामी होगा, देवबंदी पैदा होगा वो हलाली होगा, क्योंकि देवबंद वालों ने यहाँ पे लिख रखा है तो में किसी और इनकार नहीं कर रहा है, उसका बाप इनकार नहीं कर रहा है, बाप ये नहीं कह रहा मेरा बच्चा नहीं है, तो देवबंदी बाप की मान रहा है और बरेलवी जो पैदा होते हैं वो बरेलवी सारे के सारे हरामी होते हैं, देवबंदी हलाली होते हैं। हाँ तो तुम्हारे यहाँ होएगा ही ना यार, शादी से पहले तुम्हारे यहाँ मुंह मार के आती होगी, इसके लिए आराम होता नहीं है। वो तो दरगाह पे क्या होता है, वो अलग का मसला नहीं है, दरगाह पे क्या हो रहा है? पर ये इबारत खुद फिट बैठ रही है क्योंकि खानजी साहब को पता ही नहीं था कि मेरा बाप है, पसंद तो कड़ी फरमाया करते थे। मैं कहता हूँ देवबंदी हलाली अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ना मानो आप औलाद को हरामी मानो हमें क्या बड़ी है, हरामी मानो तो 30 बार मानो 100 बार मानो हमें क्या बड़ी है।